फाइनली आज राव साहब की बर्थडे है। मैंने 2 हफ्ते लगा के तो तैयारी मुकम्मल की थी। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं जो डेकोरेशन है वो किधर करूँ, बाहर ड्राइंग रूम में करूँ, टीवी लाउंज में करूँ या फिर बेडरूम में करूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें। इस जगह पे करती हूँ तो ये तो बिल्कुल ओपन है, उन्हें पता लग जाएगा आते साथ ही। तो यहाँ पर भी नहीं कर सकती तो जन्नत के खिलौने बोल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर डेकोरेशन करूँ तो जन्नत आपी पूरे 10-11 बजे सोने के लिए बेडरूम में आ जाती हैं तो वो डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पे केक वगैरह फिर नहीं रखा जाएगा, समझ नहीं आ रही। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हो सकती है, वहाँ पे रोज़ेस आ सकते हैं, बलून्स आ सकते हैं, ऊपर बर्थडे लिखा आ जाएगा, तो वो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन जन्नत आपी ने ऐसे होने नहीं देना। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ, कहाँ पे डेकोरेशन करूँ। और एक दो काम है, मैंने राव साहब का एक जो सूट है वो भी सिलने के लिए दे दिया था। पहले मैंने मेरा कोई प्लान नहीं था सूट का, फिर मैंने सोचा चलो एक सूट भी ऐड कर देते हैं। तो सूट भी मैंने सिलवाने के लिए दिया हुआ है, वो भी आज आ जाएगा। मैं अभी तक सोच रही हूँ कि क्या करूँ। मेरा इरादा है कि ड्राइंग रूम में ही कर लूँ। अब्दुल्ला आएगा तो वो ये है कि राव साहब अगर आ भी जाएंगे तो अब्दुल्ला सारा जो काम है वो कर लेगा। भी पैसे थे ना मैंने सारे लगा लिए हैं। अभी मैंने केक लेने के लिए और बाकी डेकोरेशन के लिए ना पैसे आप ही से मंगवाए हैं। तो अब्दुल्ला अभी लेकर आएगा, उसकी मैं सारी चीज़ें वगैरह लूँगी। और मैंने सोचा कि सारे गिफ्ट एक साथ नहीं देने, कुछ दे दूँगी। जो एक गिफ्ट है ना स्पेशल, जो मोबाइल है, वो मैंने उन्हें डिनर पर लेके जाना है, वो कल लेकर जाऊँगी। आज सिर्फ विश कर दूँगी और केक वगैरह काट लेंगे। तो कल अगर मैं जाऊँगी तो फिर मैं एक गिफ्ट रखूँगी, वो मैं कल शाम को दूँगी उनको डिनर पर जाते हुए। और बाकी आज उनीब ने मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है, तो मेरा ये प्लान है कि वो हॉस्पिटल के लिए आएगा। जो जो पैसे राव साहब मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए भेजेंगे उसका मैं डेकोरेशन की जो चीज़ें आई हैं ना वो ले आऊँगी। आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही। लेकिन मैंने बॉक्स रखा है सुई धागे का, इसके अंदर सूट पैक कर दूँगी। और ये जो लाइट है ये मैंने लगवानी है इनके ऊपर, इसके ऊपर लगा के तो फिर इसको रख देंगे उधर ड्राइंग रूम में। मेरा माइंड है कि ड्राइंग रूम में ही सारा कुछ सेट कर लिया जाए। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो ये सारा ओपन है और एंटर होते साथ ये एरिया नज़र आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रही। पहले मैंने सोचा था कि इस टेबल के ऊपर से सामान उठा के तो सारा यहाँ पे कर दें, लेकिन अभी सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कहने का एक फ़ायदा ये है कि हाल में अगर एसी चल रहा होता है तो सारा कूल प्रोग्राम रहेगा। और अगर मैं ये सारा कुछ उठा के उधर ड्राइंग रूम में ले जाती हूँ, वहाँ पे ये है कि फिर रात को गर्मी बहुत होती है, बाहर से सारी धूप आती ड्राइंग रूम में, तो वो फिर चलें कोई बात नहीं। थोड़ी देर ही केक ही कटिंग करना है, वहाँ पर ज़्यादा काम तो है नहीं। तो वो ये है कि एक साइड पर हो जाएगा और चोरी चोरी जो भी करना होगा ना अब्दुल्ला कर लेगा आराम से, पता नहीं चलेगा। मशीन मैंने लगा ली है, कपड़े वाश हो रहे हैं, कपड़े वाश करके बाहर डालते हैं। भिंडी बन गई है, भिंडी आज चलेगी। कि हम जा रहे हैं जो बाकी का सामान रह गया वो लेने के लिए, पैसे नहीं भेजे उन्होंने। ये ले लिया मैंने सामान कटने का, ये वाला अभी भाई निकाल रहा है भिंडी। तेल अगर चॉकलेट में करना है चॉकलेट में, ये भी वो खाते नहीं। किधर दिखाएं, किधर को दिखाएं, फ्रंट कैसे? ये पाइनएप्पल में, ये क्रीम फुल क्रीम में, इसका स्पंज भी बड़ा अच्छा होगा, वनीला में होगा स्पंज इसका। ये बाहर निकाल, इसमें क्रीम कितनी है? क्रीम की ले रही है, लेकिन ऊपर की है ना ऐसे केक में होगा, अंदर ज़्यादा क्रीम नहीं होगा, लेकिन अच्छा डोंगी है इसका। उसमें ज़्यादा क्रीम है वाइट में इसमें? हाँ जी, वो पाइनएप्पल में सरकार लिख दी बस। काला लिख दिया, रेड नहीं था, रेड नहीं था कलर। अब्दुल्ला वापस आ गया सियालकोट से स्पेशल बर्थडे की तैयारी करवाने के लिए। अब्दुल्ला 3 बज गए और सामान सारा अभी वो उधर सेटमेंट कर दो ड्राइंग रूम में, क्योंकि 5-6 बजे तक वो आएंगे, फिर आपका लैपटॉप लेने जाना है। तो उसके बाद आके तो फिर मैं तो नहीं उधर जा सकूँ उस तरफ बिल्कुल भी, तो वो मुझे पहले सारा सेट करवा दो। रोटी खानी? खा के नहीं आए? क्यों उस तो साथ ले लेते, बाकी इधर आपकी पुप्पो पका के बैठी हुई है।
ये आपने चर्सी चर्सी और वो चार गो इस्लाम ना वो दुल्हा के साथ हमारी शर्त लगी थी मेरी और नीव की, के अगर ये वापस आ गया तो फिर हम इसको कढ़ाई कराएंगे, अगर ये ना आया तो फिर ये खिलाएगा। तो ये कढ़ाई खाने के लिए वापस आ गया। ये आपके पुप्पो काम करने नहीं देंगे कोई। बाय बाय। उसके अंदर फूल है, फूल ना अभी बिछाना, खुशबू आ जानी है। मोबाइल पकड़ने का शौक आ रहा है इसको। बाबा की बर्थडे है, आप तैयारी कर रही हो? हम तो सियालकोट से केक खाने आए हैं, तेरे तो आप कर रही हो है ना। चुप है, चुप। दोनों तो दीवारों में सुरंगे बना रही है नाखून से, है ना, सुरंगे बना रही हो। फूल के एक पत्ते भी नीचे ना लग रहा है। क्यों नहीं चलानी चाहिए? नहीं वो उठवा दूंगी, उठा दूंगी। ये वो है लेटर, ये हार्ड बना हुआ है। कितने? 10। 10? हाँ। अपना कमरा भी है हमारा, मैं लैपटॉप भी कैंसिल करने हैं। मुंह धो लेना बाद में। ये लाइट लेकर आओ, इसके ऊपर लगानी है। किसके ऊपर? टेप लेंगे ना ऐसे, इसके साथ साथ रख के तो ये लगा दो। टेप में देती हूँ, उसी में लेकर आई थी ये वाली। ये ले लो, बाहर निकलाते हैं। बाहर निकाल के नीचे रख के इजी हो गई, लगा लो। ऊपर से शुरू करना ना, साथ साथ लपेट लेना। ये हो गया तैयार। और ये अब्दुल्ला भाई बलून फुला रहे हैं। सारा रेडी करके ना उसको लॉक कर देना। अगर भाई आपके चाबी पूछेंगे, आपने कहना पता नहीं, मैं कहूँगी पता नहीं किधर, मैं कहूँगी चाबी नहीं नहीं ये नहीं कहना, मैंने कहना रख के भूल गई, मिल नहीं रही। वैसे उनका कोई काम नहीं है उधर। चाबी मुझे बुला देना। ये आ गया जी हमारा सामान। टाइम बहुत थोड़ा है अभी, बस इसको यहाँ पे दीवार पे लगाएंगे। मैंने अब्दुल्ला से पूछा है इस दीवार पे कर लो या फिर इस तरफ कर लो, वो कह रहा है ये वाली ज़्यादा खुली है, टेबल थोड़ा आगे करके इस दीवार के ऊपर लिखेंगे। लो ये कर्टन, ये लगा के ना उधर, हाँ उसके ऊपर ये लगाना। किधर लगाएं, इधर के उधर? इधर फिर सोफे उधर करने पड़ेंगे, इधर फिर सोफे उधर करने पड़ेंगे। देख लो इधर करना तो उधर कर लो। ले जी गलत कर्टन लगा रही है अब्दुल्ला भाई, अब इसको उतार के साइड पे करने लगे। मुझे लग रहा है जन्नत की आवाज़ आ रही है, मैं आ रही हूँ अभी। और ये जन्नत आपी की एंट्री हो चुकी है, रोना डालने के बाद हम भी आ गए हैं। जन्नत के पैरट्स भी बाहर शोर मचाते हुए मुसलसल, और हैंड पे थका करके हमने पंखा चला लिया दूसरी तरह। हाँ ऐसे, यस। अब टेप कैसे लगाओगे? बिल्कुल इक्वल हो दोनों, लग गया। हाँ जी बेटा, क्या बात है, क्या बात है। बस टैलेंट होना चाहिए इंसान में, बहुत चंगा ना मैं। कैसे लगाओगे अब टेप? थोड़ी लगाओ इस तरफ, इतनी ज्यादा टेप लगा दी। बोला था जैसे मैं लगाओ तो वैसे ठीक थी, एक एक टोटा लगना था। अब अभी भी इस पे लगा दो, तो वहां से एक एक चीज ले लेना टेप का। इसको पकड़ो ना, एक मैं साइड से फिर पकड़ती हूँ। आपको पकड़ने को नहीं कहा जन्नत। राम 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 राम।
उठाओ ये, वो उसके साथ ही बांधे हुए हैं दोनों सिरे, एक उधर एक उधर। ओए इतना प्यारा लग रहा है उसके सामने, तोड़ दो ऐसे करो ना, पहले टेप लगा लो इसके धागे के ऊपर, टेप ही उधर जाके चिपका दो, फिर दूसरी साइड से उतार लेना। वो बड़ी टेप पकड़ो, कॉर्नर से, हाँ कॉर्नर पे धागा रखो अब्दुल्ला, ऐसे हाँ ऐसे? जो नुस्खा कोना है ना, हाँ इधर कॉर्नर पे रखना है, इधर हाँ। ये हो गया हैप्पी बर्थडे, टोकरी उठा लो इधर रख दो एक साइड पे, ये जो गुब्बारे बांधोगे ना ये उनके नीचे बांधने हैं, ये बाद में फुलाते हैं, बंद करो अभी नहीं, इधर इधर बाद में, ये तो गाड़ी आई कोई बाइक, मैं देखती हूँ बाइक थोड़े हैं। अभी नीप कह रहा था ये बहुत ज्यादा, उसने एक लिया था पैकेट, मैंने कहा नहीं थोड़े हैं और ले लो, वो भी डालो, ये थोड़े हैं बस, केक की जगह छोड़ो, हैं केक की जगह छोड़ दो ना बीच में, नीप कह रहा था ज्यादा 50 रुपए किलो, मैंने कहा नहीं थोड़े हो देंगे। वो जो कैंडल्स हैं उसका कोई इशू तो नहीं होगा ऊपर रखने से, छोटी टेबल पे रखनी है जन्नत, वो भी रख दो खोल। ये नीचे से उठाओ, इस तरफ फूल गिरे हुए हैं, इस तरफ है, यहाँ पर पकड़ो उसमें से कैंडल्स निकालो, सही हो गया छोटी, खोल के इसके ऊपर लगा दो, मैं तो इधर वैसे इधर रास्ता बनाना था, चलो ऊपर रख दो, रख दो ना तब जला लेंगे, टेबल को तो कुछ नहीं होगा, कवर बनाओ वाले, कवर बनाओ वाले, बाकी नीचे रख देना, उस तरफ भी आ गया हो गए, कितनी बची हैं, इधर रख दो इसके अंदर रख दो, कितने बजे शुरू हुए थे ये काम करने, 4 बजे 5:30 होने वाले, कह रहे थे 10 मिनट का काम है, 4:30 बजे तकरीबन हम टोटल शुरू, तो अभी ये पड़े हैं, ये हम पे थोड़ी पड़े हैं, अभी लाइट भी पड़ी है, ये देखें जी हाथ मेरा कांप रहा है, इतनी तैयारी हमारी हो चुकी है, अभी बस रेड बलून्स रह गए वो लगा देंगे और फिर मुकम्मल हो जाएगी, अभी मैं फिलहाल ला करके जा रही हूँ और जन्नत मुझे छेड़ी जा रही है, ये मैंने गिफ्ट यहाँ पे रखे हैं, ये वाली जो ट्रॉफीज़ है ना ये मैंने रात ली थी, छोटी छोटी कैंडीज, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, और बाहर आइसक्रीम वाले चाचू आ गए, इसको मैं इस बॉक्स में डालूँगी, शुक्र है चाचू बंद कर दिया आपने अलार्म, ये इसके अंदर डालती हूँ खोल के, अभी टाइम थोड़ा रह गया है छुट्टी होने में, अभी ऑफिस से आ जाएंगे हम, अभी ये बिल्कुल फुल हो गया, इसको मैं अलग रख रही हूँ, ये मैं लैदा से दूंगी, यहाँ रख देती हूँ इस दराज में, चलो ये मुझे बास्केट मिल गई और मुझे आइडिया आ गया कि मैं निकाल के गिफ्ट इसके अंदर रख दूँ ऐसे, ठीक है ये हो गया ऐसे,
और बाकी इसके अंदर डाल देती हूँ। एक ये रखा मैंने यहाँ पर छुपा के, ये इसके अंदर अलग अलग जगह पे रख दिए। फाइनली हम आ गए हैं लैपटॉप लेने के लिए। भाई अगर तू सफर कर रहा है तो अच्छा चल रहा है ना, मुझे कहते हैं। तू ना डिगी, तू ना डिगी, तू ना डिगी, डिंगा हो गया ये तो। चल 10-2 मिनट रुक जाते। आजे सरप्राइज सरप्राइज। मैं कब से वेट कर मोमबत्तियां बुझ रही थी। खत्म हो गया छोटा था। ये बड़े ये बड़े ये बड़े उड़ेगा उड़े नहीं। मशीन का तो 250 की मिल जाती है। आप ही आप मुझे गलता 250 की मशीन मिल जाती है। उसने ये कहा था, आपको लगा शायद वो ये वाली मशीन की बात कर रहा है। उसने ये कहा। थैंक यू अगेन।